कोरोना महामारी में लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर स्कूलों पर पड़ा है। स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो इसके साथ ही फीस का विवाद भी खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूली जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा है कि फीस भुगतान न करने की स्थिति में 10वीं और 12वीं के किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं रुका जा सकता। शीर्ष अदालत ने स्कूलों को फीस में 15% की रियायत देने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन में छात्रों को वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें स्कूल जाने पर मिला करती थी। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन में स्कूलों ने बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, स्टेशनरी और खेलकूद के सामानों पर पैसे बचाए हैं। ये सारी बचत 15% के आसपास बैठती है। ऐसे में इनका पैसा वसूलना शिक्षा का व्यवसायीकरण करने जैसा होगा। साथ ही अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की फीस माफी का भी आदेश जारी किया है। पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी, तब से ज्यादातर स्कूल्स ऑनलाइन स्टडीज ही करवा रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्राइवेट स्कूल्स कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।